आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। इस अध्ययन में पिछले दो सालों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में डायबिटीज के 25% नए मामले सामने आए हैं। दरअसल इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल दिल्ली के डॉक्टरों ने पिछले दो सालों के दौरान ओपीडी में आने वाले मरीजों पर यह अध्ययन किया है। इसके बारे में बताते हुए अस्पताल के वरिष्ठ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष कुमार ने कहा कि पिछले दो सालों के दौरान हमारी ओपीडी के आंकड़े दर्शाते हैं कि जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी उनमें से 25% मरीजों में डायबिटीज के नए मामले पाए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के ठीक हो चुके 10% मरीजों में हाइपरग्लाइसेमिया के मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के जिन मरीजों में पहले से डायबिटीज था उनमें से भी 60% से अधिक मामलों में मरीजों का ग्लाइसेमिक स्टेट और खराब हो गया है। इन मरीजों में ऐसी स्थिति 3 महीनों से ज्यादा समय के लिए रही है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताज़ा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।